अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो ईद मुबारक टू ऑल द यूट्यूब फैमिली ऑफ हामिद ऑफिशियल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। होपफुली आप सबकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। बस गोश्त पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा आजकल के दिनों में। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम पेशावर की लेटेस्ट अपडेट शेयर की थी, और उसमें मैंने आपसे कहा था ये वीडियो जब मैं शेयर कर रहा था, अगर इनकेस आपने मिस कर दिए तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, रिसेंटली अपलोड हुई हुई है। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स भी शेयर करूंगा। ये पहली बार हम हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम के मतलब इस तरह क्लोज से शॉट शेयर करेंगे, तमाम स्टैंड्स के, पवेलियन के, और ऊपर से भी आपको अच्छी तरह से व्यू दिखाऊंगा जैसे कि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का हम शेयर करते हैं। बाकी की तमाम तरह स्टेडियम की ड्रोन शॉट्स की तरफ आने से पहले मैं आपको स्टेडियम का मेन पवेलियन और मीडिया बॉक्स अच्छे से दिखा दूँ। ये ईद से पहले की अपडेट्स हैं तकरीबन 13 जुलाई की। जो चैनल के साथ कनेक्टेड हैं उन्हें पता होगा। फिर इसके बाद और भी काम हुआ और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद ईद की छुट्टियां हो गई क्योंकि इंजीनियर्स और वर्कर्स को भी ईद मनानी होती है, वो भी यू नो कुर्बानी वगैरह। मेन पवेलियन जहाँ पे मीडिया बॉक्स भी है, इसके तमाम तर फ्लोर्स तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मतलब कहने का ये है कि इस वीडियो का मकसद ओवरऑल हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम का ड्रोन व्यू शेयर करना है जैसे कि अरबाब नियाज स्टेडियम का हम करते हैं। तो सीधा वीडियो की तरफ आ जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो जितने भी स्टैंड्स आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं और उनमें कंक्रीट और पॉलिशिंग का काम शुरू हुआ है, तो अब आपको स्टेडियम की शेप की आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होगी। और जो स्टैंड्स हैं, स्टैंड डी से स्टैंड फिर इस तरह सी बी और ए और ई एफ जो ग्रासियाँ हैं, उनके क्लोज शॉट्स की बात करें तो ये सामने बड़ा स्टैंड डी था जो पिछली बार मैंने आपको कैमरा शॉट्स से भी दिखाया और ड्रोन शॉट्स में भी थोड़ा सा शेयर किया था। इसमें डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, आगे क्लोज भी जाएंगे, नज़दीक से भी आपको दिखाएंगे ये स्टैंड। ड्रोन को थोड़ा आगे मूव करेंगे नीचे से करके तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ये स्टैंड सी है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आखिर तक। ड्रोन को स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे स्टैंड्स के, और ऊपर से फिर जो ड्रोन के कैमरे का गिम्बल होता है उसको नीचे साइड पे करके आपको दिखाऊंगा स्टैंड्स के ऊपर से कैसा व्यू आता है स्टैंड्स का। तो सामने आप स्टैंड बी भी देख सकते हैं, उसके कंक्रीट और साथ में जो बाकी का स्टैंड हो रहा था मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, और ये ओवरऑल स्टैंड्स का एक व्यू देख लें। बाकी आगे स्टैंड ए रह गया तो वो भी आपको दिखा देंगे अच्छे से। ड्रोन वीडियो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था कि एडिट करके आपके साथ शेयर कर दी जाए, और सोचा इससे ज़्यादा टाइम गुजरेगा तो फिर शेयर करने का फ़ायदा नहीं। खैर ये वो स्टैंड ए भी देख लें जिसका मैंने आपसे कहा, उसमें जो कंक्रीट पार्ट आपको दिख रहा होगा साइड पर, और इसी तरह से थोड़ा आगे आपको स्क्रीन साइड का एरिया भी दिख रहा होगा जहाँ पर स्क्रीन लगेगी, और ये ओवरऑल जो मैंने आपको स्टैंड ए दिखाया। आगे बढ़ते हैं, अगले एंगल से आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो नहर का आप पूछते रहते थे 3D मॉडल में कि उसमें पानी दिखाया गया कि क्या वाकई यहाँ पे नहर गुजरी हुई है। और नहर को मैंने काफ़ी बार बताया भी कि पीछे नहर है लेकिन वहाँ पर पानी रोका हुआ है, मतलब यहाँ से पानी नहीं गुजरता। पहले यहाँ पर पानी होता था, अब भी अक्सर बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाए तो वो पानी आ जाता है, बट ये पीछे साइड पर जो एरिया है यहाँ पर नहर गुजरी हुई है। और इसी तरह से मैं लेफ्ट साइड पर भी थोड़ा मूव करूँगा जहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड आपको सामने दिख होगा हयातबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, उस तरह से इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए जो हॉल आपको बड़ा दिख रहा है। खैर ये हॉल तो इंडोर गेम्स के लिए है और इसकी सरफेस को भी कम्प्लीटली रेनोवेट किया गया, मैंने आपको दिखाया था जो टर्फ वगैरह इंस्टॉल हुए थे। और लेफ्ट साइड पे भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे ख्याल में जिमनीजियम के लिए, और साथ ही टेनिस कोर्ट भी साइड पर आपको फुटबॉल ग्राउंड के बैक साइड पर दिख रहा होगा। तो अच्छा होता है कि जब भी ड्रोन वीडियो मैं बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं या ऐसे शॉट्स आ जाते हैं जिसमें हम अलग सी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्हाट डू यू थिंक के कितना परसेंट आप देंगे कि कितना काम हो गया और कितना परसेंट रहता है। ये ऊपर से उन स्टैंड्स का नज़ारा कुछ इस तरह से ये क्लोज व्यू आता है। वीडियो में थोड़े छोटे दिख रहे होते हैं लेकिन हैं बड़े ये स्टैंड्स, और मोर देन 10,000 की कैपेसिटी है तो इनफ है। टेस्ट मैच जैसे कि बहुत लोग कमेंट करते हैं करवा सकते हैं, साथ में वो ग्रासी स्टैंड्स और बाकी का एरिया भी आप देख सकते हैं। ग्राउंड एरिया की तरफ अब आएंगे, स्टैंड्स को तो हमने डिस्कस कर लिया लेकिन उससे पहले मैं आपको पीछे वो स्विमिंग पूल दिखाना चाहूँगा, वो भी यहाँ इसमें कवर कर लेते हैं। इस तरह का व्यू आ रहा है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अपना स्विमिंग पूल भी इंशाल्लाह जल्द रेडी हो जाएगा। इसी के साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्राउंड एरिया की तरफ आते हैं, तो ग्राउंड एरिया का जो पिछली अपडेट में मैंने आपको बताया, सामने जो विकेट एरिया है जहाँ पे पिचेस हैं अकॉर्डिंग टू द 3D मॉडल, उसमें 4 पिचेस दिखाई गई हैं, तो उसको भी ऑलमोस्ट रेडी कर लिया गया है। ग्रास वगैरह उस पर आ गया है, यू नो ऑब्वियसली ग्रासी पिचेस भी होती हैं, समटाइम्स ग्रास को रिमूव कर दिया जाता है। खैर ऑब्वियसली इनका अपना तरीका होता है पिचेस को बनाने का,
और रोलर का काम भी हो रहा था सरफेस को तैयार करने के लिए। बीच में से एक लाइन एक्सक्यूवेट की गई है, उसमें से पाइप को गुजारा हुआ था जो कि अंडरग्राउंड जाएगा ग्रास के नीचे से, और पिच साइड पे उसको निकाला हुआ था। खैर वो टाइम के साथ साथ जब ग्रास लगता जाएगा तो भी मैं आपको ग्राउंड एरिया और जो सरफेस तैयार होगी वो आपको दिखाता जाऊँगा। इस वक्त इसको जिसे आप कहते हैं लेवलिंग का काम किया जा रहा था, यहाँ पर मिट्टी डाली हुई थी पूरे ग्राउंड एरिया में ताकि उसके बाद फिर ग्रास की इंस्टॉलेशन भी की जा सके। और ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जितने भी बड़े स्टेडियम्स हैं उनके ग्राउंड सरफेस जो है उसकी लेवलिंग लेज़र लेवलिंग से की जाती है, और ये करना बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे मिट्टी भी वो डाली जाती है जिसमें बिल्कुल भी पत्थर वगैरह ना हो ताकि ग्रास अच्छे से निकल सके। जैसा कि मैंने आपको कोटली के क्रिकेट स्टेडियम का दिखाया था कि वहाँ पर ग्रास की क्या हालत थी, पत्थरों में ही ग्रास लगाना शुरू कर दिया था और उसमें फिर देसी ग्रास भी निकल आया था। यहाँ पे भी उन्होंने बताया जो काम कर रहे थे कि मेरे ख्याल में फाइन ढाका ग्रास यहाँ पे भी लगेगा। ग्रास लगाने का सीज़न भी यही है और लेवलिंग ग्राउंड की बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो अच्छे से ना हो पाए तो आपको पता है फिर पानी खड़ा हो जाता है, दूसरा ये कि वो सरफेस फिर क्रिकेट के लिए कारआमद नहीं होती। खैर ये चीज़ें आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और ये बिल्कुल टॉप व्यू जो मैंने आपसे कहा कि शेयर कर दूंगा तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें आप बीच में ग्राउंड एरिया को फोकस करें जो लेवलिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आपको मिट्टी मिट्टी दिख रही होगी, ये अलग सी मंगवाई गई है इसकी मैं बात कर रहा था, और बीच में वो ग्रासी पिचेस आपको दिख रही होंगी। टॉप व्यू से एक और चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, स्टैंड सी को क्यों छोटा किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पीछे का रास्ता फुटबॉल ग्राउंड और स्टेडियम के बीच में, तो ये भी आपको यहाँ से समझ आ रही होगी। साथ में हमेशा की तरह हयातबाद स्टेडियम की वीडियो में जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं वो हम आपके साथ स्क्रीनशॉट कर देते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है जब भी नए व्यूअर्स आते हैं वो कहते हैं कि आप टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करें स्टेडियम की। हालांकि वो मैं कितनी कितनी बार स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन वीडियो और बाकी वीडियोज़ में करता हुआ आया हूँ, तो नए व्यूअर्स को यही लगता है कि मैं सिर्फ स्टैंड्स और पवेलियन नए काम की बात कर रहा होता हूँ। मतलब उनके कहने का ये होता है कि मैं ज़्यादातर स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को फोकस कर रहा होता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तमाम तर टेक्निकल चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस मैं रिपीट नहीं करता ताकि पुराने व्यूअर्स बोर ना हो। स्टिल कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें हर वीडियो में अगर बता सकूँ तो बता देता हूँ। बाकी अगर आप नए व्यूअर्स हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को तो स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे साथ, और आप प्रीवियस वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा अलग सा क्लियर व्यू देख लें विकेट एरिया का, और बीच में जो है वो एक्सक्यूवेशन हो रही थी। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि माइक वगैरह स्टंपिंग और जो भी सिस्टम है वो कर रहे हैं ये लोग, और दूसरा ये कि बाउंड्री लेंथ भी स्टेडियम की बड़ी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छा स्टेडियम बन के सामने आएगा और यहाँ पे आप क्रिकेट इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है आपको ड्रोन वीडियो अच्छी लगी होगी हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम की, और मैं ज़्यादा सिनेमैटिक तरीके से ड्रोन शॉट्स नहीं लेता क्योंकि मुझे उसके ऊपर वॉइस ओवर करना होता है, चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, इसीलिए इस तरह के शॉट्स बना रहा होता हूं। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज योर बॉय हामिद ऑफिशियल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।